बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। योगी सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा जिले से कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को लाने के लिए बस सेवा का इस्तेमाल किया गया है और छात्रों को कोटा से यूपी लाया जाएगा। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने बड़ी बातें कही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा है कि कोटा से छात्रों को लाना तो अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब प्रवासी भारतीय लोग अन्य जगह पर फंसे हुए उनको भी घर छोड़ा जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है, कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने, उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी है। यह फैसला स्वागत के योग्य है, बहुजन समाज पार्टी इसकी सराहना करती है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने आगे भी एक और ट्वीट किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने अगले ट्विटर से लिखा है, लेकिन सरकार से मेरी यह आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी दिखाए जिन्हें अभी तक भी उनके घर से दूर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से ये खबरें आ रही है कि कई जगह पर मजदूर जो है वो फंसे हुए और उनके खाने पीने की भी समस्याएं आ रही है। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने ये बात कही है। एपीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।